हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन डांस फॉर्म का पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कथक और सट्रिया डांस के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली के बारे में। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कशन किया मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड मणिपुरी के बारे में। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आजकल सब जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तो UPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए ये फुल नोट्स है। और जो भी कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कथक और सट्रिया डांस के बारे में। ओके, कथक ट्रेसिंग इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द रासलीला ऑफ ब्रजभूमि, कथक इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो कथक डांस है, ये माना जाता है कि ये जो रासलीला है जो श्री कृष्ण जी का, उसमें देखा जाता था, जबकि ब्रजभूमि में है, ब्रजभूमि में होता था। तो ये जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश का। ओके, कथक डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द कथिका और द स्टोरी टेलर्स हु रेसाइटेड वर्सेस फ्रॉम द एपिक्स विद गेस्चर्स एंड म्यूजिक। तो ये जो कथक जो डांस का नाम है, ये जो है कथिका नाम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलर, जो कि कहानी कहता है, जो कि पौराणिक ये लिया गया है, पौराणिक जो कथा के बारे में होता है, और जो कि प्रेजेंटेशन जो किया जाता है डिफरेंट गेस्टर्स और म्यूजिक के थ्रू से। ओके, ड्यूरिंग द मुगल हीरा द डांस फॉर्म डिजनरेटेड इनटू लसीवियस स्टाइल एंड ब्रांच्ड ऑफ इनटू कोर्ट डांस। तो जब मुगल्स हमारे यहाँ पर आए थे, तब ये जो है इसका डांस का जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज हो गया था, और इसमें ज़्यादातर मुगल का जो है प्रभाव पड़ा था, और प्रभाव उसके लिए उसका जो है वेशभूषा जो स्टाइल जो है वो मुगल जैसे हो गया था, और ये जो है मुगल दरबार में ही इसको परफॉर्मेंस किया जाने लगा था। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मुगल इन्फ्लुएंस का जो वेशभूषा है। इट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्शियन कस्ट्यूम्स एंड स्टाइल एंड ऑफ डांसिंग। तो ये जो है पर्शियन कस्ट्यूम्स के का भी इसमें स्टाइल और जो है कस्ट्यूम्स का प्रभाव आया था। द क्लासिकल स्टाइल ऑफ कथक वॉज रिवाइव्ड बाई लेडी लीला सोखे इन द 20th सेंचुरी। तो इसको जो फिर से जो अपने अपना जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें उसको जो लाने में जो जिनका बहुत बड़ा रोल है, उनका नाम है लेडी लीला सोखे, जो कि उन्होंने कथक डांस का जो ओरिजिनलिटी थी उसकी, उसमें को फिर से जो है रिवाइव किया था। ओके, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कथकार, कथक डांस के कुछ फीचर्स देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कथक इज द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट घरानाज एट इट इज ए बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक। जैसे हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक में हम लोग डिफरेंट घराना देखते हैं, वैसे कथक डांस का भी जो है डिफरेंट घराना है। ओके, तो देखते हैं। लखनऊ रीच इट्स पीक अंडर द रेन ऑफ नवाब वाजिद अली खान, इट पुट्स मोर इम्पोर्टेंस ऑन एक्सप्रेशन एंड ग्रेस। तो ये जो है बहुत ही जो उसका जो प्रभाव आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंस देखने को मिला था, वो नवाब वाजिद अली खान के समय में इसको देखने को मिला था। और ये जो इसमें जो है एक्सप्रेशन और ग्रेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ओके, जयपुर इनिशिएटेड बाय भानुजी इट एम्फसाइज फ्लुएंसी स्पीड एंड लॉन्ग रिथमिक पैटर्न्स। तो जयपुर घराना में जो है ये जो है ज़्यादा इनिशिएटेड जो हुआ था भानुजी के समय में हुआ था, और इसमें जो है एम्फसाइज जो किया था फ्लुएंसी स्पीड एंड लॉन्ग रिथमिक पैटर्न्स, इसमें जो लॉन्ग रिथमिक पैटर्न्स है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। नेक्स्ट रायगर डेवलप अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा चक्रधर सिंह, इट इज यूनिक इन इट्स एम्फसाइज ऑन परकर्शन म्यूजिक। ये जो है ज़्यादातर जो
पेट्रोनाइज हुआ था चक्रधर सिंह के टाइम में, और उन्होंने जो इसमें जो है इस डांस का जो स्टाइल है इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जो है म्यूजिक का, इसका जो स्पेशल म्यूजिक है उसका इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंस रहता है। ओके, बनारस ए डेवलप अंडर द जानकी प्रसाद, ये जो बनारस घराना जो है वो जानकी प्रसाद के टाइम में जो है डेवलप हुआ था। इट सीज ए ग्रेटर यूज ऑफ फुटवर्क एंड लेज स्पेशल एम्फसाइज ऑन सीमेंट्री, तो इसमें ज़्यादातर जो है स्पेशलिटी जो दिया जाता है फुटवर्क में, मतलब पाँव का जो स्टेप्स है, और स्पेशल एम्फसाइज ऑन सीमेंट्री जो पोस्चर्स है और जैसे स्टाइल्स है डिफरेंट मुद्राज है उसके ऊपर ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कथक डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ इंट्रिकेट फुटवर्क एंड प्योरिटीज, तो कथक डांस में जो है उसमें जो फुटवर्क जो है स्टेप्स जो है और उसमें जो प्योरिटीज जो है उसका जो डिफरेंट पोस्चर्स है स्टाइल्स है उसके हिसाब से इसको जो है कैरेक्टराइज किया जा सकता है। द एलिमेंट ऑफ कथक रिसेटल आर, तो कथक जो है उसका जो एलिमेंट्स क्या क्या है चलिए देखते हैं। आनंद और द इंट्रोडक्टरी आइटम थ्रो व्हिच द डांसर एंटर्स द स्टेज, ये जो आनंद जो बोला जाता है इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जो डांसर जो है स्टेज में जो एंट्री करते हैं उस टाइम में जो जो भी परफॉर्मेंस रहता है स्टाइल रहता है उसको आनंद बोल के कहा जाता है। थाट कंप्रेसिंग सॉफ्ट एंड वेराइड मूवमेंट्स, तो ये थाट जो है ये जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और डिफरेंट वेराइड मूवमेंट्स इसमें देखने को मिलता है। ओके, टोडाज एंड टुकड़ाज आर स्मॉल पीसेस ऑफ फास्ट रिदम, तो ये तोड़ाज जो है और ये जो टुकड़ाज जो है ये जो है छोटे छोटे जो है फास्ट रिदम जो है देखने को इसमें मिलता है। जुगलबंदी इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ कथक रिसाइटल हुए शोज ए कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन द डांसर एंड द टेबल प्लेयर, तो इसमें जो है टेबला प्लेयर इसमें जो हम लोग देखते हैं जो कथक में ये सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आता है, मतलब डांसर जो है वो जो तबला का जो वाद्य जो है जैसे स्टाइल का उसमें बजता है उसे उसी स्टाइल का उसको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो इसमें एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है तो ये इसको जुगलबंदी बोलते हैं। और इसमें बहुत ही जो है ये जो इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, पदहंत इज ए स्पेशल फीचर इन विच द डांसर रिसाइट्स कॉम्प्लिकेटेड बोल्स एंड डेमोस्ट्रेट दैम्स, तो इसमें जो है स्टेप्स हैं जिसको बोल्स और हम लोग बोलते हैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड बोल्स को जो है पदहंत में जो है डांसर्स इसको करके दिखाते हैं। ओके, तराना इज सिमिलर टू थिलाना व्हिच कंप्राइजेस ऑफ प्योर रिदम मूवमेंट बिफोर द एंड, तो ये जो है तराना जो है थिलाना जैसे ही है इसमें जो है प्योर रिदम रिथमिक मूवमेंट्स रहता है जो एंड से पहले होता है। ओके, क्रमालय इज द कंक्लूडिंग पीस कंप्राइजिंग ऑफ इंट्रिकेटेड फर्स्ट फुटवर्क, तो ये क्रमालय जो है ये एंडिंग है जो जिसमें जिसे एंडिंग किया जाता है और ये जो है बहुत ही जो है फास्ट रहता है स्पीड इसमें ज़्यादा रहता है। गट भाव इज द डांस विदाउट एनी म्यूजिक और चैंटिंग दिस इज यूज्ड टू आउटलाइन डिफरेंट मैथोलॉजिकल एपिसोड्स, तो ये गट भाव जो है इसमें जो है प्योर जो है एक्सप्रेशन से ही सब चीज़ को दिखाना पड़ता है जो कि मैथोलॉजिकल एपिसोड्स मैथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर होता है और इसको इसमें कोई भी चैंटिंग नहीं होता कि कोई म्यूजिक नहीं होता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथक इज जनरली एकॉम्पेन्ड विथ ध्रुपद म्यूजिक, तरानाज ठुमरीज एंड गजल्स वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो ये जो कथक जनरली जो है इसमें जो है ध्रुपद म्यूजिक का ज़्यादा देखने को मिलता है और ये जो तरानाज ठुमरीज जो है ये और जो गजल्स है ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था मुगल के टाइम में। ओके, फेमस प्रोपोनेंट्स बिरजू महाराज
लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये जो है बहुत ही फेमस है। ये हमारे बॉलीवुड में भी बहुत ही फेमस गुरु माने जाते हैं और ये जो है फेमस जो डांसर्स हैं और गुरु जी भी हैं, तो ये कथक जो नृत्य के हैं। ओके, नेक्स्ट है सत्रिया डांस। सत्रिया डांस इज मॉडर्न फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैष्णव सेंट शंकरदेव इन द 15th century AD इन आसाम। तो ये सत्रिया डांस जो है इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वैष्णव सेंट जो है संत जो है शंकरदेव जी ने 15th century में, जो कि आसाम में किया था। ओके, द आर्ट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वैष्णव मोनेस्ट्रीज नॉन एज सत्रज वेयर इट वॉज प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड। तो ये इसका नाम जो है सत्रिया डांस जो है इसका नाम जो है वैष्णव मोनेस्ट्रीज से आया है, जिसका मतलब है सत्रज, जहाँ पर ये पहले परफॉर्म्स किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। इट फाइंड्स मेंशन इन द नेक्स्ट नाट्य शास्त्र ऑफ सैग भरत मुनि। तो ये भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है वहाँ पर भी इसका लिखा हुआ देखने को मिलता है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति मूवमेंट। ये जो है भक्ति मूवमेंट से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सत्रिया डांस इंक्लूड द डांस फॉर्म वॉज एन अमलगेमेशन ऑफ वेरियस डांस फॉर्म्स प्रिविलेंट इन आसाम, मेनली ओजलपली एंड देवदासी। तो ये जो है मिक्सचर है ओजलपली और देवदासी जो है उसके जो फॉर्म्स है उससे ये ज़्यादा प्रभावित हुआ है, मिक्स होके ये जो है बना हुआ है। ओके, द फोकस ऑफ द क्षत्रिय रिसाइटल इज ऑन द डेवोशनल एस्पेक्ट ऑफ डांस एंड नरेट्स मैथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ विष्णु। तो इसमें ज़्यादातर जो फोकस दिया गया है पौराणिक जो कहानी है विष्णु के ऊपर, उससे ही ये ज़्यादातर प्रभावित हुआ है और इसमें इसको हम लोग इस परफॉर्मेंस में इसको देखने को इसमें मिलता है। क्षत्रिय डांस ऑल्सो इंक्लूड्स नृत्य एंड नाट्य। तो इसमें तीनों का जो है हम लोगों ने डांस का जो मेन इम्पोर्टेंस तीन जो है पॉइंट्स देखा हुआ है, नृत्य जिसमें जो परफॉर्मेंस होता है और जिसमें हम लोगों ने खाली मतलब उसमें कोई म्यूजिक और ये नहीं होता है, खाली डांस होता है। नृत्य में जो है बहुत म्यूजिक स्टेप्स होता है और नाट्य में जो है कहानी के ऊपर इसको कहानी और म्यूजिक के ऊपर इसको जो किया जाता है। ये तीनों का जो मिक्सचर है इसमें सत्रिया डांस में देखने को मिलता है। द डांस इज जनरली परफॉर्म इन ग्रुप बाय मेल मॉन्क्स नॉन एज भक्तस एज पार्ट ऑफ देयर डेली रिचुअल्स और इवन ऑफ फेस्टिवल्स। तो इसको जनरली जो है पुरुष जो है जो साधु थे मॉन्क्स थे वही जो जिनको हम लोग भक्त के नाम से जानते थे वही इसको जो है फेस्टिवल्स में और डेली जो पूजा पाठ में इसको करके करते थे। ओके, खोलो मतलब ड्रम्स, सिंबल्स मतलब मंजीरा एंड फ्लूट फ्रॉम द मेजर एकॉम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द डांस फॉर्म। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं कि संकीर्तन में और भजन के टाइम में ये सब जो यूज करते हैं इसको ही ज़्यादातर यूज करके ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इस डांस को परफॉर्मेंस किया जाता है। द सॉन्ग्स आर कंपोजिशन ऑफ शंकर देव नॉन एज बरगीत। तो इसमें जो भी गाना जो लिखा गया है इसको कंपोजिशन जो किया गया है वो शंकर देव जी ने लिखा है और इसको जो है ये बरगीत के नाम से जाना जाता है, बरगीत। देयर इज ग्रेट एम्फसाइजेस ऑन रिदमिक सिलेबल्स एंड डांस पोस्चर्स। इसमें बहुत जो है रिदमिक सिलेबल्स है और डांस पोस्चर्स इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही देखने को मिलता है। अलॉन्ग विथ फुटवर्क, जो डांस पोस्टर जो भी है ये फुटवर्क के ऊपर ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। इट कॉम्बाइंस बोथ लास्य एंड तांडव एलिमेंट्स। ये दोनों जो है लास्य मतलब जो फीमेल एस्पेक्ट से और तांडव मतलब जो है मेल एस्पेक्ट से इसमें देखने को दोनों का जो है कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है।
The Sattrian tradition has strictly laid down rules in respect of hand gestures and footwork, and it plays a very important role. इसमें जो है बहुत ही strictly जो है उसमें rules है जिसका जो है respect देना जरूरी है, जो कि hand gesture और footwork के लिए इसका rule regulation मान के इसको किया जाता है, और ये जो very important role इसमें play करता है. कॉस्ट्यूम्स वन में मेल डांसर्स आर धोती एंड पगड़ी. ओके, तो इसमें जो मेल का जो पुरुष का डांसर का जो कॉस्ट्यूम है जो है धोती और पगड़ी है. ओके, नेक्स्ट. वाइल फीमेल्स वेयर ट्रेडिशनल असमी ज्वेलरी घूरी एंड चादर मेड इट पट सिल्क. तो फीमेल जो फीमेल का जो भी जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होता है उसको पहनना उसमें जो है कॉस्ट्यूम्स में देखने को मिलता है, जो कि घूरी और चादर बोलते हैं. ओके, और ये जो पॉट सिल्क से बनाया जाता है. वेस्ट क्लॉथ इज वर्न बाय बोथ मेन एंड वोमेन. तो वेस्ट में जो जो कमरबंद जो है इसमें बोथ मैन और वोमेन पुरुष और महिला इसको बांधते हैं. इन द मॉडर्न टाइम सत्रिय डांस हैज इवॉल्वड इनटू टू सेपरेट स्ट्रीम्स, द गायन भयनर नच एंड खमनर नच. तो इसको जो है अभी मॉडर्न टाइम में दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है. एक जो है गायन भयनर नाच और जो है खमनर नाच. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गायन भयनर नाच का और ये है भोना डांस का. ओके, अंकिया नाट ए टाइप ऑफ सत्रिया, इट इन्वॉल्व्स प्ले और म्यूजिक ड्रामा. और एक जो इसका पार्ट जो है अंकिया नाट जो है ये जो सत्रिया डांस का एक पार्ट है जिसमें म्यूजिक और ड्रामा का देखने को मिलता है. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन आसामीज मैथिली मिक्स लैंग्वेज कॉल्ड ब्रज वाले. ये जो इसको जो लिखा गया है ओरिजिनली इसको आसामीज में लिखा गया है और इसको मैथिली मिक्स लैंग्वेज में भी इसको देखने को मिलता है जिसको ब्रजवली बोलते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड भावना एंड इन्वॉल्व स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इसको भावना भी कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के ऊपर इसका जो है कहानियाँ लिखा गया है और इसको परफॉर्मेंस किया जाता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भावना डांस जो है ये कृष्ण के वेशभूषा में ये किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है जो एक क्लासिकल डांस का फॉर्म्स है. ये हम लोगों ने तीन सीरीज में इसको लाया था और आप इसको अच्छे से देखिए, और जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट हमारा और भी जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है. तो टिल देन बाय, थैंक यू.